हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिर से आज एक नए वीडियो के साथ। साथियों आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल सेवा पोर्टल यानी कि CSC में जो अमाउंट होती है उसको कैसे जोड़ सकते हैं, यानी कि अपना जो वॉलेट होता है उसमें पैसे कैसे जोड़ेंगे, किस प्रकार से जोड़ेंगे, पूरी वीडियो में आपको जो डिटेल्स है वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पर। इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है digitalseva.csc.gov.in। उसके बाद इस पोर्टल पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड को फिल करने के बाद इसे साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसे क्लोज कर देना है अपडेट लेटर वाले बटन पर क्लिक करके। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है वॉलेट वाले बटन पर। वॉलेट वाले बटन पर आएंगे, आपको यहाँ पर समरी का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको समरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके खाते में यानी कि आपके वॉलेट में बैलेंस कितना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपके वॉलेट में बैलेंस दिख जाएगा। इसके बाद आपको इसमें पैसा जोड़ना है, तो आपको क्या करना होगा, ऐड मनी टू योर वॉलेट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ से अपना अमाउंट डाल देना है, जो भी अमाउंट आप भर रहे हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 500 रुपये आपको ऐड करना है तो 500 डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ से कोई भी एक मोबाइल नंबर जो भी आपके CSC से लगा है या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में है उस नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है CSC पे से आप पेमेंट को ले सकते हैं, दूसरा है HDFC PG यानी HDFC के दोस्तों ट्रांजेक्शन ले सकते हैं, या फिर एक्सिस बैंक के। तो हम यहाँ पर HDFC यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर उसको फिलअप करने बाद ऐड मनी टू वॉलेट पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा CSC ई गवर्नमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर आईडी मिल जाएगी, मर्चेंट दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा CSC ई गवर्नमेंट्स। ऑर्डर आपको मिल जाएगा 500 रुपये का, ट्रांजेक्शन फीस आपकी यहाँ पर जीरो है, टैक्स आपका 18% था बट यहाँ पर जीरो है। अगर आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI से पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर जीरो कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको एक ऑप्शन मिलता है कार्ड का, अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के सेलेक्ट करेंगे। UPI से पेमेंट यानी कि जो भी आपकी UPI होती है, गूगल पे, फ़ोनपे, या फिर आपकी बार कोड वगैरह से करना चाहते हैं पेमेंट, तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको कार्ड नंबर डालना है, उसकी एक्सपायरी डेट डालना है, और जो कार्ड के पीछे CVV पिन होता है 3 अंकों का उसको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको पे नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमने अपनी कार्ड की डिटेल को यहाँ पर फिलअप कर दिया है, हम पे नाउ वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम पे नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारे जो कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP को सेंड कर दिया जाएगा। तो उसका जो लास्ट का जो अंक है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके लास्ट के अंक कितने हैं। तो इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आपको मर्चेंट मिलेगा, ट्रांजैक्शन डेट मिलेगी, ट्रांजैक्शन अमाउंट मिलेगा, कार्ड नंबर मिलेगा, फिर आपको OTP का ऑप्शन मिलेगा। तो आपके जो भी कार्ड से यानी कि बैंक से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है और फिर आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हम यहाँ पर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी और ऑटोमेटिक आपको जो पेज है वो लॉग आउट कर देगा। फिर आपको क्या करना है, दोबारा से CSC वाले पेज पर आना है इस तरीके से। फिर आपको डिजिटल सेवा पोर्टल यहाँ पर डालना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपका जो पैसा है वो आपके वॉलेट में जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी पेमेंट को यहाँ से जोड़ सकते हैं और आसानी से अपना जो अमाउंट है अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हैं, इसके बाद आप उसे यूज कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की नई सी इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन और नई जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।